विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। सोमवार तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है और पहले दिन काफी हंगामेदार रही सदन की कार्यवाही। बीजेपी विधायकों को मार्शल आउट भी किया गया। बता दें कि दिल्ली के आज पहले दिन की कार्यवाही में कई अहम मुद्दे उठाए गए और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए। बलराम, देखिए कई अहम मुद्दे उठे जिन पर चर्चा हुई और गर्मा गर्मी भी देखने को मिली है, और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के कुछ लोगों को मार्शल आउट भी किया और बीजेपी विधायक विधानसभा परिसर में दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आए। बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिला। जब प्रश्नकाल रहा, जब विपक्ष ने अपने वालों को सदन के पटल पर रखा, ही सरकार से उन्होंने जवाब की मांग की और कहा कि इन मुद्दों पर सरकार चर्चा करे, और जिस तरीके से जनहित के मुद्दों पर विपक्ष को चर्चा से रोका जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि जब सरकार ने कहा कि जो विधायक निधि है पहले 4 करोड़ थी, अब उसे 7 करोड़ की गई है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कम से कम जो विधायक निधि है वो 10 करोड़ की जाए। हालांकि सरकार ने इस बात जोर नहीं दिया। उसके बाद कई मुद्दे ऐसे रहे जो सदन के पटल पर रखे गए, कई विधायक ऐसे रहे जिन्होंने अपने क्षेत्र के सदन के पटल पर रखा, लेकिन बड़ा जो मुद्दा रहा आज वो रहा सीडी के कर्मचारियों पक्का करने का। हालांकि सरकार की तरफ से दुर्गेश पाठक ने इस मुद्दे को सदन के पटल पर रखा और इस पर कहा कि जिस तरीके से बीजेपी इस नियुक्ति को गलत साबित करने के लिए कोर्ट गई है, और कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि बीजेपी जो सफाई कर्मचारी है के साथ खड़ी हुई नजर नहीं है। हालांकि सत्ता से बेदखल होने बावजूद भी सफाई कर्मियों के खिलाफ लगातार बीजेपी काम कर रही है, ये आरोप बीजेपी के ऊपर सरकार की तरफ से लगाया गया। हालांकि उसके कई मुद्दे पटल पर रखे गए और विपक्ष लगातार इन मुद्दों को लेकर के हंगामा करता रहा। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने एक अहम मुद्दा उठाया, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 2 महीनों के अंदर सर्दी से करीब 203 मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है, ये मौतें कैसे हुई, इस पर सरकार जवाब दे और इसके लिए मुख्यमंत्री को सदन में बुलाया जाए। हालांकि इस पर चर्चा करने से विधानसभा अध्यक्ष ने इनकार कर दिया और कहा कि इस मुद्दे पर हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि जिन आंकड़ों को नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सदन के पटल पर रखा गया है उनमें कितनी सच्चाई है, और जो मौत का आंकड़ा पेश किया गया है वो मौतें कैसे हुई हैं, इस पर भी अध्ययन करने की जरूरत है, और जब तक इन आंकड़ों पर अध्ययन ना हो तब तक चर्चा होना गलत रहेगा। तो यही वजह है कि जब इस चर्चा से विधानसभा स्पीकर ने इनकार किया तो विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ, और हंगामे के चलते जो विपक्ष के विधायक थे, अगर हम बात करें बीजेपी के जो विधायक थे, उन्हें मार्शल आउट किया गया। इसके बाद सदन की जो कार्यवाही है वो आगे बढ़ी। हालांकि सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित की गई है, यानी 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सोमवार को सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी, क्या विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को लेकर के हंगामा होता है या फिर नहीं, क्योंकि के विधायकों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मुद्दे को हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक इस पर सरकार की तरफ से सकारात्मक जवाब नहीं मिल जाता। जी ठीक है बलराम, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए मुद्दा ये भी उठा था कि अभी जो कार्यवाही की सीमा रखी गई है वो काफी कम है, जिसमें तमाम सवालों को उठाया नहीं जा सकता, तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती, तो समय को लेकर भी काफी चर्चा होती नजर आई है। क्या लग रहा है कि क्या आगे समय बढ़ाया जाएगा? देखिए, आपको बता रहे कि जब सदन की कार्यवाही के लिए भेजा गया था विधायकों को कि सत्र बुलाया जा रहा है, उस पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं रामवीर सिंह बिदूड़ी, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख करके ये मांग की थी कि कम से कम 10 दिनों का सत्र बुलाया जाए, क्योंकि विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो पाती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो सत्र है वो कितने दिनों तक चलता है। हालांकि सोमवार को सत्र बुलाया गया है, अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष की तरफ से जो मुद्दा है वो बार बार उठाया जाता है, तो क्या इस बार भी सदन के पटल पर ये मुद्दा उठेगा, या जो मुद्दा आज उठा था वही गर्माता हुआ सोमवार को भी नजर आएगा। जी।
बिल्कुल ठीक है बलराम, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।